हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए ले गया हूँ GTS San Andreas, वो भी दोस्तों सिर्फ 220 MB में। तो गाइस, ये आपको इसका देख गेम प्ले देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। जैसी गेम प्ले है वैसी आपको गेम मिलेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर अपना चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो शुरुआत करते हैं गाइस बिना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपका नोगट वर्जन है या फिर उससे कोई ऊपर का वर्जन है तो आपकी गेम बिल्कुल रन नहीं करेगी, क्योंकि नोगट वर्जन है या फिर ऑडियो वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। तो गाइस, उसके बाद आपने चेक कर लेना कि आपका कौन सा GPU है। अगर आपका एडिनो का GPU तो आप एडिनो की फाइल डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपका माली का GPU अगर आप तो आप माली की फाइल डाउनलोड कर लीजिए। दोनों को फाइल का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है लिंक, तो आप कर सकते हैं दोनों को डाउनलोड। अगर आपको किसी को नहीं पता कौन सा GPU है, तो सिंपल आपने CPU Z को इंस्टॉल करके, तो अगर जैसे कि देख पा रहे हैं कि अपने एडिनो का GPU, तो सिंपली आप एडिनो की फाइल कर लीजिए डाउनलोड। अगर आपको माली यहाँ पे शो करे GPU लैंडर में, तो आप माली की डाउनलोड कर लीजिए, जिसका जो सा GPU वही डाउनलोड करें। तो अगर उसके बाद आपने कर देना सिंपली Z Archive को इंस्टॉल, ये भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद आपने वो ओपन करनी है फाइल, अगर आपकी माली की फाइल तो अपने माली की फाइल ओपन करें, आपके GTM एडिनो की फाइल है तो आपको एडिनो फाइल ओपन करनी है। तो आपने सिंपली एडिनो फाइल पर करना क्लिक, उसको कर देना एक्सट्रैक्ट, ये कुछ समय में हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, कर कुछ मिनट का वेट। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी फाइल होगी एक्सट्रैक्ट हियर। अब आपके पास दो आगे होंगे फोल्डर, तो आपने सिंपली ऊपर वाले फोल्डर पे करने क्लिक, उसको कर लेना कट। कट करने वाले जाना बैक और एंड्रॉइड को ओपन करके डाटा के फोल्डर में करना पेस्ट आपने, सिर्फ डाटा के फोल्डर में, नो बीबी फाइल ओनली डाटा फोल्डर। ये होगा मेरी फाइल में एक्सट्रैक्ट सॉरी पेस्ट। तो सिंपली आपने फिर से जाना उसी फोल्डर में और यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन इट। तो बस यदि कि आपने इस बात का ध्यान है देने कि आपने यहाँ पे रिज्यूम नहीं करना, तो सिंपली आपने करना स्टार्ट न्यू गेम और उस पर लोड गेम ओपन करके ये BMX पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी गेम ये क्रैश नहीं होगी। अगर आप रिज्यूम गेम करते हैं तो आपकी क्रैश गेम होगी ही होगी, क्योंकि ये लाइट वर्जन है और कई फोनों में क्रैश हो जाएगी। तो बस जैसे कि देख पा रहे हैं गेम अपनी होगी स्टार्ट, वही गेम है, कोई इसमें वो चक्कर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। तो वैसे आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाइए। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।